मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। कैसुर बस स्टैंड पर समिति द्वारा प्याऊ का उद्घाटन पूर्व सरपंच मोहन सिंह जी रजावत और अध्यक्षता नानाबाई बराडिया भेरूलाल जी सोलंकी द्वारा की गई। राजावत ने कहा कि गोरैया चिड़िया की संख्या कम होती जा रही है, दिन और पीने के पानी के लिए घोंसला और सपेरा किया जा रहा है, ये एक सराहनीय काम है। छात्रावास अधीक्षक समिति संरक्षक ब्रजेश मीणा ने बताया कि गोरैया चिड़िया के कम संख्या के देखते हुए संकल्प किया कि हर वर्ष घोंसला और सकोरे जन सहयोग से जन जन तक वितरित कराए जाएंगे। कैसुर से अनिल परमार की रिपोर्ट। आज प्याऊ का उद्घाटन हुआ है, उसके साथ में सार्वजनिक प्याऊ और गोरैया संरक्षण समिति का क्या तात्पर्य है? आज बस स्टैंड पर प्याऊ का उद्घाटन हुआ है, इसमें गौरव संरक्षण समिति की ओर से प्याऊ का आयोजन किया गया है और पक्षियों के लिए दो बर्तन रखे गए पानी पीने के लिए। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आने जाने वाले लोगों को प्याऊ का फायदा मिले और पानी पीने की अच्छी व्यवस्था हुई है। गोरैया के लिए आपने क्या क्या व्यवस्था की? जन सहयोग के माध्यम से गोरैया चिड़िया की जो संख्या कम होती जा रही है, पूरे देश के अंतर्गत जो हमारे मकान कच्चे हुआ करते थे तो उसमें उसको रहने के लिए बहुत आसानी से वो मकान अपना घोंसला बना लेती थी, पर अब हमारे मकान ईंट के सीमेंट से बने हुए रहते, पक्के मकान होते हैं, उसमें उसका निवास स्थान उससे छिन गया है और जिलेली कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से भी वो खत्म की कगार पर है। तो इस दिशा में सोशल मीडिया के माध्यम से हमें प्रेरणा मिली, तो गत वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी गोरैया चिड़िया को बचाने के लिए के अभियान की शुरुआत केसुर से की है और ये हमारा उद्देश्य है, ये पूरे धार जिले में हम चलाएंगे इसको। ये क्या चीज़ है? ये गोरैया चिड़िया के लिए हमने घोंसला बनवाया है और इसमें बाकायदे वो बहुत अच्छे से रह सकती है, और इसी संदर्भ में हमने 100 घोंसले और 100 सकोरे आज वितरण का कार्यक्रम हमने रखा है। आप कहाँ से? मैं छात्रावास अधीक्षक रामनगर।